एक तरफ देश में कोरोना ने तबाही मचा रखी है तो दूसरी तरफ देश के लिए एएमयू के इंजीनियरिंग के छात्रों ने बनाई संजीवनी। छात्रों ने कहा कि बिजली से पैदा होगी 90% ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की कमी से परेशान लोगों के लिए राहत की खबर है। कहते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। जब जब जरूरत पड़ती है तब देश का भविष्य कहे जाने वाले युवाओं ने अपने आविष्कार के बल पर देश को विपरीत परिस्थितियों में संवारने का काम किया है। आज पूरा देश ऑक्सीजन की किल्लत से जूझ रहा है। लाखों जान ऑक्सीजन की वजह से इस दुनिया को अलविदा कह चुकी हैं। ऑक्सीजन की किल्लत को देखते हुए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के 5 इंजीनियरों की टीम ने ऑक्सीजन बनाने का एक अजीब कामयाब ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बनाया है। दरअसल अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल कर चुके छात्रों के एक पैनल ने देश के लिए बड़ी ही राहत भरी खबर दी है। छात्रों के द्वारा ऑक्सीजन को लेकर देश भर में बिगड़ते हालातों को देखते हुए एक ऐसा आविष्कार किया है जो हवा में मौजूद 21% ऑक्सीजन को 90% से ज़्यादा तक बढ़ाकर मरीज को डायरेक्ट सप्लाई देता है। छात्रों के द्वारा दीनदयाल अस्पताल समेत कई मरीजों पर इसका कामयाब इस्तेमाल भी किया जा चुका है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का आविष्कार अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करने के बाद इंजीनियरों के द्वारा किया गया है। ये डिवाइस ऑक्सीजन कंसंट्रेटर नाम से है और ये नॉर्मल हवा से नाइट्रोजन को फिल्टर करके मरीज के लिए जितनी रिक्वायर्ड ऑक्सीजन परसेंटेज चाहिए होती है वो तैयार करता है। इसमें कोई रनिंग कॉस्ट या ऐसा कुछ नहीं आता है। ये नॉर्मल एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस है जिसको हम PSA टेक्नोलॉजी बोलते हैं। ज़ियोलाइट बेस्ड फिल्ट्रेशन करता है। नाइट्रोजन अलग हो जाती है और ऑक्सीजन जो है वो मरीज़ तक पहुँचती है। ये डिवाइस तकरीबन 95% से ज़्यादा प्योरीफाई ऑक्सीजन दे पा रहा है फिलहाल और फ्लो रेट भी इसका 5 लीटर से ज़्यादा ही है। ये डिवाइस आपने किसी मरीज़ पर इस्तेमाल किया? अभी तक ये डिवाइस हमने कुछ मरीज़ों पे टेस्ट किया है और अल्हम्दुलिल्लाह इसके रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे रहे हैं। और इसमें जो लिमिटेशन आ रही है, अभी फिलहाल हमने डिवाइस बना लिया है बट जो रॉ मटेरियल है ज़ियोलाइट है वो अभी मुहैया नहीं हो पा रहा है, वो अभी मार्केट में नहीं है। तो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट है कि इसको कुछ जल्दी से जल्दी ये डिवाइस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ज़ियोलाइट हमको मुहैया करवाएँ ताकि हम इसकी ज़्यादा से ज़्यादा मशीन्स बना सकें और ये आम लोगों के काम आ सकें। बस मेरा नाम रेहान है, मैं इंजीनियरिंग एनवायरनमेंट सॉल्यूशन से हूँ और हमने ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बनाया है। ये काम करती है PSA, एक मेथड है प्रेशर स्विंग एडजॉर्प्शन, जिसमें एयर को हम लेते हैं जिसमें 78% नाइट्रोजन होती है और 21% जो है ऑक्सीजन होती है। तो एक मॉलिकुलर सीव होती है जो सेपरेट करती है, नाइट्रोजन को अलग कर देती है और ऑक्सीजन को सारा अलग कर देती है। तो जितनी भी ऑक्सीजन है 21% को उसे हम कंसंट्रेट कर देते हैं, 90 से अबव ले जाते हैं। और इसमें हम एक जो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है इसका वो है ज़ियोलाइट। ज़ियोलाइट से सीड बाइट बनती है जिससे इसको पास कराते हैं जो कि नाइट्रोजन को ब्लॉक करता है और ऑक्सीजन को अलाउ कर देता है हायर प्रेशर। तो कितना ऑक्सीजन सप्लाई करती है पेशेंट को? ये जो है 90 से ऊपर हमने जो सिस्टम डेवलप किया है उसकी परफॉर्मेंस जो है काफ़ी बेटर है। शुरू में जब हमने किया था तो उतनी हमें परफॉर्मेंस नहीं मिली थी, लेकिन अभी ये जो है 90 प्लस मतलब 90, 92, 94 इस तरीके से दे रही है। देखिए ऐसा है कि अब जैसे ये कोरोना जैसे स्टार्ट हुआ यहाँ पर हालात बिगड़े तो हम लोग भी क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग थोड़े सोशल हैं तो लोगों के बीच में हम लोग रहकर हमने कोशिश की है किसी तरीके से चीज़ों को आसान करा जाए। तो हम लोग जब चीज़ों के लिए भागे तो हमने देखा कुछ चीज़ों की अवेलेबिलिटी कम है, खासतौर से जो ऑक्सीजन की कमी हमें वो लगा कि ऑक्सीजन इतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये चीज़ अचानक हुई थी। तो उसके बाद हम लोगों ने अचानक फिर ये सोचा कि किस तरीके से ऑक्सीजन बनाया जाए। तो हमजा भाई ने कुछ उस पर चीज़ें बताई कि हम ये प्रोसेस है इससे बना सकते हैं। हमारे थिंक टैंक रेहान भाई हैं, जैसे ही उनके पास ये बात पहुंची तो उन्होंने कहा ये चीज़ हम लोग बना सकते हैं और इसमें हमें ये चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। हमने मार्केट में जल्दी जल्दी भाग भाग गए, हमारे पास 2-3 आइडिया थे जिसके हमें चीज़ें मिली, हमने उस पर काम स्टार्ट कर दिया।
और फिर उसमें जैसे हमारे मुंजिर हैं जिन्होंने मटेरियल परचेज में काफ़ी मदद की, दानियाल हैं जिन्होंने जल्दी जल्दी जाकर चीज़ों को जो बाहर से आउटसोर्सिंग होती है उनमें मशीनिंग का पार्ट है उन्होंने जल्दी जल्दी कंप्लीट करवाया, बाकी यहाँ की टीम है वसीम है इमरान है, काफ़ी लोगों का इसमें जो अच्छा एक वो डिवाइस आप लोगों ने किसी पेशेंट पे टेस्ट किया? जी हाँ हमने ये पेशेंट पे टेस्ट किया, ये हमने दीनदयाल उपाध्याय में टेस्ट किया, हम वहाँ पर लगाया, वहाँ रात भर चलाए, पेशेंट को काफ़ी आराम मिला, उसके बाद उनके पास ऑक्सीजन सिलेंडर आ गया था तो वही डिवाइस हमने उठाकर शिफ्ट किया। तो एक क्राइम ब्रांच में साहब थे, उनकी वालदा की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी, हमने उनको लगाया, एक ही घंटे में उनका ऑक्सीजन लेवल 60 से 95 आ गया था। क्या आपको लगता है ये काफ़ी मददगार साबित होगा लोगों के लिए? जी ये काफ़ी मददगार इंशाल्लाह साबित होगा, और हमारी कोशिश यही है कि ये कम से कम पैसों में ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके ताकि लोगों को बचाया जा सके। आप सभी इंजीनियरों ने कहाँ से पढ़ाई हासिल की है? हम सब इंजीनियर्स जो हैं यहीं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पास आउट हैं, और ज़्यादातर लोग जो हैं वो शुरू से पहली क्लास से यहीं से पढ़े हुए हैं।